नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अलवर में दो बाइकों में भीषण भिड़ंत, घायल एक बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। वहीं भरतपुर कामा में आधा दर्जन लोगों ने की लूटपाट और मारपीट की घटना को दिया अंजाम, 110,250 रुपए के साथ मोबाइल तक लूटा। वहीं सपोटरा में भी वार्षिक उत्सव के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। रुक करते हैं खबरों की ओर। निजी शिक्षा संस्थान संगठन के तत्वाधान में आज शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के आर चौहान को ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन अध्यक्ष डीडी चारण ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कई विद्यालयों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक निजी विद्यालयों में 25% गरीबी और जरूरतमंद बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिनकी पुनर्भरण राशि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को दी जाती है। पर पिछले 2 वर्षों से बहुत से विद्यालयों को वो राशि नहीं मिल पाई है। ऐसे में संचालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज शिक्षा मंत्री से राशि दिलवाने की मांग की गई है, ताकि अब अगले सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके। अगर राशि समय पर नहीं मिलती है तो संगठन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष नारायण गौड़, हितेश शर्मा, राजेंद्र वैष्णव, गणपत सिंह पीडीआर, ओम प्रकाश नाग, अंकुर जैन, नंद किशोर शर्मा, गणेश जांगिर, सौरभ शर्मा, राम किशोर पंचार्य आदि समस्त गण मौजूद रहे। वहीं मारवाड़ क्रिकेट एकेडमी बालोतरा की खिलाड़ी धारा उर्फ पार्वती गौड़ का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जयपुर में हुए ट्रायल में चयन हुआ है। वुमन अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में धारा का प्रदर्शन अच्छा रहा तो राजस्थान टीम में जगह मिलेगी। आपको बता दें, एकेडमी चलाने वाली भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के उप कप्तान इकबाल खान है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट को लेकर आगे बढ़ाना है। खान के द्वारा धारा को पूरे दिन प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, जिनकी आज मेहनत लंगरा रही है। खान पिछले कई समय से संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के युवाओं को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत खेड़ा के राजकीय विद्यालय निबोदा में आज वार्षिकोत्सव के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। सरस्वती वंदना के उपरांत सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं पूर्व सरपंच हरकेश खेड़ला ने कहा कि लक्ष्य तय करके ही विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उसको मंजिल नहीं मिलती है। इसलिए लक्ष्य के साथ कठिन परिश्रम कर पढ़ाई की जाए तो सफलता स्वतः ही मिल जाती है। इस दौरान कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। बास्को कस्बे में स्थित निजी विद्यालय में आज मात पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के माता पिता शामिल हुए। विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर पूजन तक किया गया। उसके बाद बच्चों ने उनकी परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संस्था प्रधान राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभावों से बचकर रहने, वैलेंटाइन डे के दिन माता पिता की पूजा कर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करा और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कामा कस्बे में कल देर शाम डीक से लौट रहे युवक पप्पू सिंह के साथ आधा दर्जन लोगों ने लूटपाट की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पप्पू सिंह घायल हो गया, जिसे लहूलुहान हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बदमाश पीड़ित से 110,250 रुपए के साथ मोबाइल लूट लिया, जिसकी पीड़ित ने कामा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस जाँच कर रही है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र ढाई पेड़ी के समीप बाढ़ का बांग गांव के समीप दो बाइकों की टक्कर में घायल हुए एक बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। दुर्घटना के बारे में सदर थाना एएसआई बलवीर सिंह ने बताया कि मृतक बच्चन सिंह पुत्र जगन प्रसाद निवासी श्रीराम कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। बच्चन सिंह की अकबरपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। उन्होंने कहा कि बुधवार को बच्चन सिंह दुकान से बाइक लेकर अपने घर श्रीराम कॉलोनी में आ रहा था। इसी दौरान
ढाई पीढ़ी के समीप सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक टकरा गई। इस दुर्घटना में वह बुरी तरह से घायल भी हो गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एएसआई ने आगे बताया कि दुर्घटना में घायल हुए बच्चन सिंह को माथे पर गंभीर चोट लगी थी। 13 फरवरी को उसके सर का ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन आज 14 फरवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शव का राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल आप में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यापार भारत टीवी के साथ। नमस्कार।